सो गाइज, एज पर द डिमांड, वैसे तो NSB पिक्चर्स भाई का खुद ही एक चैनल है एंड वहाँ पे वो सारी एडिटिंग सिखाते हैं, बट आप सभी लोगों को अगर मुझसे सीखनी है उनके जैसे कुछ एडिटिंग, अब बात करूँ तो मेरा स्टाइल एंड उनका स्टाइल टोटली अलग है, चाहे वो एडिटिंग का हो या फोटोग्राफी का हो। बट देन ऑल्सो मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें अपने तरफ से सिखा सकता हूँ जो शायद वो अपने फ़ोटोज़ में करते होंगे, एंड उनका प्रीसेट भी जो मैं यूज़ करूँगा वो दे दूँगा, और मैं वर्क उन्हीं के फ़ोटो पे करने वाला हूँ एंड उसका आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वो मैंने उनके ही वेबसाइट से लिया हुआ है, एंड थैंक्स टू नीरज भैया कि उन्होंने दिया है लिंक अपने फ़ोटो का ताकि आप वर्क कर पाए। सो आपको मैं उन्हीं के फ़ोटो पे करके दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन वर्क और हाउ यू कैन एडिट योर पिक्चर्स लाइक NSB पिक्चर। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द एडिटिंग प्रोसेस, सबसे पहले देख लेते हैं कि NSB पिक्चर्स भाई की फ़ोटो में आखिर एडिट रहता क्या है, एंड वो अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा एडिट करना। तो जैसे कि हम सामने के दो फोटोज़ में ही देख सकते हैं, शेडोज़ में बहुत ब्लू दिख रहे हैं, ग्रीन्स बहुत डिसेचुरेटेड है, एंड येलो है वो थोड़े ग्रीन ब्राइट कलर के। ओके, सो स्किन टोन पे थोड़ा सा ध्यान दे तो वो थोड़ा स्मूथ सा इफेक्ट है स्किन टोन पे, एंड डॉज अच्छे से हुआ है, बर्न उतनी ज़रूरत नहीं है, भाई का फेस कट बहुत अच्छा है तो उसमें डॉज बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। तो हमें भी यही सब का चीज़ों का ध्यान रखना है एंड फोटो को एडिट करना है, एंड स्किन टोन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से फोटो फिर बाकी की एडिट करनी बहुत आसान है, थोड़ी बहुत कर्व से फेडेड लुक बस लाने की देरी है। तो चलो बिना किसी देरी के लाइटरूम के अंदर बढ़ते हैं एंड एडिट वर्क स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहा हूँ जो कि हीलिंग ब्रश टूल से, मैं थोड़े से पिंपल्स वगैरह को हटा रहा हूँ जितने मुझसे बनते हैं उतने, एंड उसके बाद मैं थोड़े बहुत बेसिक एडजस्टमेंट करा जो कि लाइट्स के करेक्शन बोल सकते हो आप, जो लाइट्स कम ज़्यादा जहाँ पे भी हैं तो उसे मैं पहले एक फाइन कलर बना लेता हूँ ताकि ना ज़्यादा लाइट हो ना कम, एंड देन अब मैं कर्व करूँगा एंड कर्व को मैं पहले अपना सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कर्व में मैंने क्या क्या एडिट किए हैं। सो गाइज, ये मेरे टोन आ चुके हैं फोटो में एंड मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो मैंने कैसे किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, आप सेटिंग्स को देखते जाओ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक्सपोजर मैंने थोड़ा सा डाउन रखा हुआ है, कंट्रास्ट 0, हाईलाइट्स को थोड़ी कम कर दी ताकि शर्ट जो वाइट कलर का उसमें पूरे टेक्स्चर आ जाए, एंड शेडोज़ को भी थोड़ा सा डाउन कर दिया है और वाइट्स को बिल्कुल नहीं छेड़ा एंड ब्लैक्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने इसमें कर्व पे अच्छे से एडिट किया है। अभी हम बढ़ेंगे कर्व की तरफ और मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, और चाहो तो आप कर्व का प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको सेम कलर टोन्स चाहिए। ओके, तो चलो अब अपन बढ़ते हैं कर्व की तरफ। तो ये कर्व था, आप देख सकते हो मैंने RGB वाला कर्व को किस तरह से सेट किया है। जो शेडोज़ थे उसे बहुत उठा दिया ताकि फेडेड लुक आए। देन ये रेड कलर के कर्व में आप एस कर्व देख सकते हो, मैंने रेड ग्रीन और ब्लू का तीनों का सेम टू सेम एग्जैक्ट एस कर्व बनाया तो उससे ये वाला टोन बहुत अच्छे से आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ एंड इसे आप अपने फोटो में भी ट्राई करके देखना। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते तो प्रीसेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। बट रुक जाओ, ये सिर्फ कर्व है, अभी तक सिर्फ टोन आया है ना। अब हमें इसे करेक्शन करनी है HSL में, तो हम जाएंगे ह्यू सेचुरेशन एंड लुमिनस मिक्स पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर भी मैंने थोड़ा बहुत छेड़ा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और प्रीसेट में तो रह गई, टेम्परेचर बढ़ाया और टिंट को थोड़ा कम किया तो देख सकते हो ग्रीनी टाइप का मूडी लुक आ गया है। ओके, नाउ इट्स टाइम टू शार्प द पिक्चर। मैं शार्प करता हूँ रेडियस को पूरा बढ़ा के एंड शार्पनिंग एंड डिटेल को इक्वल रख के। आप रेडियस को शार्पनिंग एंड डिटेल से ज़्यादा ही रखना। ओके, रेडियस आपका फुल कर दो एंड मास्किंग वगैरह पे मैं तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करता बिकॉज उससे एजेस बस मास्क हो जाते हैं और बीच में आपका पार्ट शार्प नहीं हो पाता। सो मैंने कुछ इस तरह से शार्प कर ली अपनी फ़ोटो को जैसे देख सकते हो, और बहुत अच्छे लुक आ रही है। अब हम बढ़ेंगे स्किन के तरफ, स्किन को हमें करेक्शन करनी है तो उसके लिए हम जाएंगे सेलेक्टिव टूल्स के अंदर एंड हम सेलेक्ट करेंगे ब्रश वाला टूल। आप जैसे देख सकते हो अभी स्किन में बहुत सारे रिंकल्स वगैरह दिख रहे हैं, पिंपल्स दिख रहे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उसको हम हटाएंगे अपने सेलेक्टिव टूल की मदद से। मैं साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि फेस में पेंट करने में कोई भी मुझे दिक्कत ना हो, एंड मैं कुछ इस तरह से पेंट करूँगा। आपको बहुत ही अच्छे से पेंट करना है ताकि वो हेयर्स पे बियर्ड पे ना जाए आपका टूल, एंड और भी इधर उधर होता है तो आप उसे इरेज कर लें। ब्रश के नीचे ही देख सकते हो आप इरेज वाला ऑप्शन रहता है, यहाँ से मैं जो गॉगल्स है वहाँ पर इरेज कर लेता हूँ
एंड कुछ इस तरह से इरेज कर लिया एंड आप फिर से ब्रश कर लें और पूरे फेस को सेलेक्ट कर लें। आप चाहे तो फेस को अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं, पहले चिक्स को कर लें देन फोरहेड को कर लें। अगर आपकी फ़ोटो में थोड़ा सा लाइट या कलर इधर उधर हो गया ना फेस के अलग अलग जगह पे, तो आप उसे यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ले ली, थोड़े नोज़ में भी कर लिए एंड मैं इसके टेक्स्चर को डाउन करूँगा। तो आप देख सकते हो टेक्स्चर डाउन करने से कितना ऑसम लुक आ जाता है फ़ोटो में। तो आपको ज़्यादा कुछ स्क्रीन रिटचिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाया हूँ क्योंकि उससे डॉज वाला इफेक्ट बहुत अच्छे से आ जाता है। बर्न तो होता ही है, डॉज भी आ जाता है, एकदम शाइनी लुक आ गया जैसे अभी स्किन में वैसा आ जाता है। एंड नाउ गाइस, मैं जैसे कि आप जानते हो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव टूल्स का यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी सेलेक्टिव टूल से पीछे में एक लाइट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड NSB पिक्चर्स भाई के फ़ोटोज़ पे भी रहती है ये, आप उनके फीड चेक कर लेना। तो चलो मैं एक लाइट्स ड्रॉ करता हूँ। इसमें मैं ड्रॉ करने के बाद उसके एक्सपोजर को बढ़ा देता हूँ एंड साथ में ही उसके हाईलाइट्स को एंड वाइट्स को बढ़ा देता हूँ, तो पूरे वाइट कलर की लाइट आएगी एंड आप उसकी क्लैरिटी को पूरा ज़ीरो कर लेना, मतलब पूरा माइनस में क्लैरिटी को कर देना, तो उससे बहुत ही ऑसम लुक आ जाएगी, एकदम स्मूथ स्मूथ ग्लो वाली, जैसे कि आप देख सकते हो इस फोटो में आ गई है। तो वो एक अच्छा मतलब रियलिज्म का इफेक्ट क्रिएट करती है, आपकी फ़ोटो थोड़ी हट के दिखती है ना, यूनिक बनाती है आपकी फ़ोटो को। तो ये आपको एक्सप्लोर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप ये लाइट्स डालना मत भूलें एंड ऐसा ही आप सेलेक्टिव टूल से लाइट्स ऐड करें अपने फ़ोटोज़ में। एंड गाइज, ये एक और फोटो है NSB पिक्चर्स की भाई की एंड मैं देखो इसमें प्रीसेट लगाया हूँ, जो मैंने आपको दिया वही प्रीसेट लगाया एंड थोड़े बहुत मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ फोटो के अकॉर्डिंग। और आप कर्व को बिल्कुल एडजस्ट कुछ मत करना प्लीज़, जो RGB कर्व उसे बस थोड़ा बहुत लाइट्स क्ले कर लेना, बाकी मत करना वरना आपकी फ़ोटो की टोन ख़राब हो जाएगी। एंड मैं मिक्स में जाके मतलब स्किन को थोड़ा बहुत सही कर रहा हूँ जो ओवर सैचुरेटेड हो जाए, क्योंकि प्रीसेट डालने के बाद हमें थोड़े करेक्शंस करने पड़ते हैं। अगर आप करेक्शंस को नहीं करते हैं तो फिर आपका प्रीसेट कोई काम नहीं आएगा एंड आपके एडिटिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो आप प्रीसेट यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा करेक्शन करना भी सीखें, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं थोड़े बहुत करेक्शन किया इसमें एंड बहुत ऑसम लुक आ चुकी है फ़ोटो के अंदर। तो ऐसे करके आप एडिट कर सकते हैं एंड बहुत अच्छा सा लुक पा सकते हैं जैसे NSB पिक्चर्स ने पाया है एंड उनके फीड भी देखोगे तो बहुत अच्छी दिखती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे डाउनलोड करें एंड NSB पिक्चर्स भाई को भी टैग करें कि उनको कैसी लगी मेरी एडिटिंग उनके फ़ोटोज़ पे। सो दैट्स इट, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं और मैं किसी एडिटर के ऐसे बनाऊं तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं उनके भी ऐसे रीमेक फ़ोटोज़ करूँगा। तो चलते हैं गाइस, अब अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय। Mm-hmm.